दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इवन आफ्टर के यूज के बारे में कि इवन आफ्टर का यूज स्पोकन इंग्लिश में कब कैसे और किस सिचुएशन में करते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको इसके बारे में पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको इसके बारे में नहीं पता कि इस इवन आफ्टर का यूज कहां कब करते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको अभी बिल्कुल कंप्लीट बताऊंगा कि आप भी इसको यूज कर सके। सो चलिए आइए विदाउट वेस्ट टाइम इसको समझते हैं। लेकिन इवन आफ्टर को समझने से पहले आप यू समझें कि कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति है और वो बहुत ज्यादा शराब को यूज करता है, पीता है, लेकिन वो जाता है किसी डॉक्टर के पास इलाज के लिए और डॉक्टर को किसी के थोड़ा पता चल जाता है कि ये वाइन यूज करता है यानी शराब पीता है। सो डॉक्टर उसे सलाह देते हैं कि देखिए आपको शराब नहीं पीनी चाहिए, ठीक है। तो वो कहता है ठीक है डॉक्टर अब नहीं पीऊंगा, लेकिन जैसे ही वह घर जाता है फिर से वही काम, यानी फिर से वही शराब पीना whatever, ठीक है। तो कोई बंदा जब देखता है तो ये बोलता है कि देखो डॉक्टर ने मना किया था ना, इसके बाद भी वो शराब पी रहा है। तो यहां पे जो एक वर्ड आया है ना, इसके बाद भी, यही आपका क्या है, इवन आफ्टर है। एक मैं और एग्जांपल लेता हूं ताकि आप और अच्छी तरह से समझ सके। जैसे मान लीजिए कि कोई आपका एक दोस्त है, राइट, और उसने एक न्यू बाइक खरीदी है, लेकिन बाइक खरीदने के बाद भी वह क्या करता है, साइकिल चलाता है यानी बाइक नहीं चलाता है। तो यहां पर जो के बाद भी वर्ड आ रहे हैं ना दोस्तों, यही आपका इवन आफ्टर होता है, यानी कि कोई काम मना करने के बाद भी करना या फिर लाइक टास्क न करना। तो इस सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, इवन आफ्टर का यूज करते हैं। जैसे मैं सेंटेंस लूं कि शादी करने के बाद भी वह काम नहीं करता है, यानी इससे पता यह चल रहा है कि शादी के पहले वह काम नहीं करता था लेकिन शादी के बाद भी वह काम नहीं करता है। गॉट इट। तो ऐसा यहां पे जो सेंस है ऐसा कहने के लिए इंग्लिश में दोस्तों हम यूज करते हैं इवन आफ्टर। सो आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है सो अरे डोंट वरी, मैं कुछ इस पे एग्जांपल्स लाया हूं ताकि आप इसके थ्रू आप अच्छी तरह से कंप्लीटली समझ सकें। सो बट इससे पहले हम जानेंगे स्ट्रक्चर फार्मूला कि आप कैसे किस सिचुएशन में आप बना पाए। सो गाइस देखिए इसके लिए आपका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको पुटअप करने हैं इवन आफ्टर प्लस आपका होगा ऑब्जेक्ट एंड प्लस वर्ब एंड देन आईएनजी। हाँ दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो सिर्फ आप ऑब्जेक्ट दिखा देंगे और अगर आपका वर्ब है, गॉट इट, अगर आपका वर्ब है तो उसमें आपको क्या करने हैं, आईएनजी का यूज कर देने हैं, आपका सेंटेंस बन जाएगा। सो इट्स वेरी सिंपल, राइट। लेकिन आइए बनाते हैं सेंटेंस को। सो गाइज हमारा पहला सेंटेंस यहां पर है कि डॉक्टर की सलाह के बाद भी वह शराब पीता है, यानी यहां पर जो सेंस कहने का है कि वो मना किए इसके बाद भी ऐसा वो काम कर रहा है। तो अब देखिए इसको बनाने का तरीका ये है, चाहे तो सबसे पहले आप ये लिखिए के बाद भी, इवन आफ्टर और डॉक्टर की सलाह, तो इवन आफ्टर डॉक्टर्स एडवाइस, या फिर चाहे तो आप पहले यहां स्टार्ट कीजिए जो सेंटेंस आप जो कहना चाहते हैं कि वह शराब पीता है, ठीक है। तो मैं बनाऊंगा यहां से वह शराब पीता है ताकि आप अच्छी तरह से समझ सके। तो यहां पर देखिए क्या होगा कि ही ड्रिंक्स अल्कोहल या फिर वाइन, ठीक है, दोनों होता है, गॉट इट, ही ड्रिंक्स अल्कोहल, वह शराब पीता है। अब सलाह के बाद भी, तो के बाद भी क्या होता है, इवन आफ्टर कर दिया, उसके बाद गाइस आपका होगा डॉक्टर की सलाह, तो कर देंगे डॉक्टर एडवाइस, क्या होगा, डॉक्टर्स एडवाइस। तो आपका पूरा सेंटेंस बन गया कि ही ड्रिंक्स अल्कोहल, वह शराब पीता है डॉक्टर की सलाह के बाद भी, तो इवन आफ्टर डॉक्टर्स एडवाइस। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आप अच्छी तरह से समझ सके। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, मुझे पहचानने के बाद भी वो मुझे नमस्ते नहीं किया। ऐसा कभी कभार हो जाता है कि कोई हमें देखने के बाद भी विश नहीं करता है, सलाम नहीं करता, यू नो। सो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, देखो के बाद भी आप वहां पर यूज करते हैं कि देखो मुझे सलाम नहीं किया देखने के बाद भी, गॉट इट। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, हमें उठाना यहां से जो हमारा सेंटेंस आप जो कहे हैं कि मुझे नमस्ते नहीं किया, यानी वो, तो वो क्या, ही, राइट,
उसके बाद नहीं किया तो ये आपका है कौन टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। और दोस्तों मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा, और मैंने अपनी लाइक के जैसे और वीडियो में बताया है कि अगर आपका टेंस अच्छा नहीं है तो आप सेंटेंस को करेक्टली लाइक ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपका टेंस अच्छा है दैट इज गुड, बट नहीं पता, बट अगर आपका टेंस अच्छा नहीं है तो आपको उस पर लाइक स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, उसको आपके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए अब बनाते हैं कि पास्ट क्या है। तो ये नेगेटिव फॉर्म है, He did not हो गया। अब क्या किया, नहीं विश किया ना, नमस्ते नहीं किया, तो he did not wish मुझे, विश मुझे का मी, उसके बाद क्या है, मुझे पहचानने के बाद भी, तो के बाद भी पहले क्या आएगा, इवन आफ्टर, क्या आएगा, इवन आफ्टर। अब क्या है, पहचानना आपका वर्ब हो रहा है, काम हो रहा है ना, तो क्या करेंगे, रिकॉग्नाइजिंग। ठीक है, अब मुझे तुम्हें, और याद है दोस्तों जितनी भी वर्ब आएंगे इस सेंटेंस में, इस तरह के सेंटेंस में, सभी के साथ आपको आईएनजी का यूज करना होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि बाइक खरीदने के बाद भी वह साइकिल चलाता है। तो यहाँ पे देखो गाइस, देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैं जस्ट बताया था आपको कि आप इवन आफ्टर का यूज पहले भी कर सकते हैं। यस गाइस, आप इवन आफ्टर का यूज पहले भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखिएगा कि बाइक खरीदने के बाद भी, तो पहले क्या लाऊंगा, के बाद भी, तो इवन आफ्टर, क्या लाऊंगा, इवन आफ्टर हो गया, उसके बाद क्या है वो लाइक काम कर रहा है खरीदने का, तो क्या कर देंगे, परचेजिंग। ठीक है, परचेजिंग, और आपको जैसा कि याद भी है कि मैंने कहा था जस्ट आईएनजी लगेगा सम में, तो इवन आफ्टर परचेजिंग द बाइक, ठीक है, द बाइक, अब क्या करता है वह साइकिल चलाता है, तो ही राइड्स क्या, साइकिल। वाक्य बन गया कि इवन आफ्टर परचेजिंग ही द बाइक ही राइड साइकिल, या फिर आप ऐसे देख सकते हैं कि ही राइड साइकिल इवन आफ्टर परचेजिंग द बाइक, बोथ आर इक्वल, राइट। चलिए एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं कि शादी करने के बाद भी वह काम नहीं करता है, यानी वो पहले काम नहीं करता, शादी करने के बाद भी काम नहीं कर रहा है ऐसा। ठीक है, तो अब यहां पे क्या कर सकते हैं आप, चाहे तो आप पहले ये उठाइए सेंटेंस, चाहे तो आप ये उठाइए, बट मैं ये उठाऊंगा वह काम नहीं करता है, तो आप बना देंगे ही डज नॉट, ये आपका कौन टेंस है आपको पता होगा, प्रेजेंट डेफिनेट क्या है, ही डज नॉट वर्क। ओके, अब शादी करने के बाद भी, तो के बाद भी क्या होगा, इवन आफ्टर गेटिंग मैरिड। ठीक है, गेटिंग मैरिड। सो दोस्तों इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस अपने माइंड से लाइक बनाकर बोल सकते हैं। जैसे मैं कुछ और एग्जांपल बोलूं कि मैंने उससे मना किया इसके बाद भी वह झगड़ा कर रहा था। ठीक है, यानी कोई काम मना कि इसके बाद भी कोई काम कर रहा था, ऐसा बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इवन आफ्टर का यूज कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, ये टॉपिक आपको जरूर समझ में आएगी। अगर आपको कोई अभी भी कोई डाउट्स है तो आप बिल्कुल कमेंट में हमसे ले पूछ सकते हैं, आपको बताया जाएगा। और दोस्तों आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि जो बच्चे कोचिंग में ज्वाइन नहीं कर सकते, जो बच्चे को ले पैसे कुछ लाइक प्रॉब्लम्स है, जो लाइक जा नहीं सकते किसी इंस्टीट्यूट पर, वो हमारी वीडियो से फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश को लर्न करते हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ आज हमारे ऐसे बहुत सारे गाँव हैं जहाँ पर अच्छी कोचिंग न होने के कारण वहाँ बच्चे इंग्लिश सीख नहीं पाते, उनको बहुत दिक्कतें आती हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारी वीडियो से जितना मैं दे पा रहा हूं, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जितना भी नॉलेज है मैं अपने नॉलेज को शेयर कर रहा हूं, ताकि जो भी बच्चे इंग्लिश सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं उनको मैं बिल्कुल सिखा सकूं, है ना। तो इसमें आपकी मेहनत चाहिए, मेरी मेहनत चाहिए, ताकि हम अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उसको कुछ बिल्डअप किया जा सके। ठीक है, तो इसमें आपका पूरा सपोर्ट चाहिए, सहयोग चाहिए, ताकि वो हमारे इंग्लिश से, हमारे वीडियो से इंग्लिश सीख सके। और आज जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश हमारे लिए क्या है, सब आप अच्छी तरह वाकिफ हैं इससे, आप जानते हैं कि इंग्लिश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे स्टडी की बात करूं या फिर किसी जॉब की बात करूं, है ना, सब में इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं उनको फ्री में सिखा सकूं, ताकि वो भी इस काबिल हो जाए कि वो भी इंग्लिश बोल सके। तो आई होप ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारी मेहनत का फल मिल सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक फिर एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
हैव ए नाइस डे।